हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्लूस इंस्टा की तरफ से सेल्फी स्टिक, जो कि 67 इंच की है। यह हमने 3 दिन पहले परचेस की थी और आज हमें डिलीवर हुई है। तो चलिए आज इसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि यह सेल्फी स्टिक एक्चुअल में कैसी है और आपको इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये देखिए, काफ़ी अच्छी पैकेजिंग के साथ आती है। अमेज़ोन की सबसे अच्छी बात यही होती है कि ये पैकेजिंग काफ़ी अच्छी कर देते हैं। और अब हमारे सामने ये सेल्फी स्टिक का पैकेट आ गया है। सेल्फी स्टिक के पैकेट के ऊपर ब्लूटूथ रोटेशनल ले और इसका मॉडल नंबर है Y17। लेंथ की बात करेंगे तो 310 mm है और खुलने के बाद इसकी जो लेंथ है वो है 170 सेंटीमीटर और ये 300 ग्राम का वेट कैरी कर सकती है। इसकी ये सब इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर लिखी गई है। अब हम इसको खोल लेते हैं। ये देख लीजिए, हमने इसको खोल लिया है और खोलने के बाद हमारे सामने ये सारी चीज़ें निकल के आई हैं। एक सेल्फी स्टिक निकल के आई है, साथ ही कॉन्ग्रेचुलेशन का कार्ड निकल के आया है, एक यूज़र मैनुअल निकल के आया है किस तरह इसको यूज़ करना है, और एक काफ़ी अच्छा रिमोट निकल के आया है। जैसा इमेज में उसी तरह सारे बटन दिख रहे हैं। साथ ही एक हमें रिचार्जेबल लाइट देखने के लिए मिल रही है और एक है USB केबल जिसके माध्यम से आप इस लाइट को चार्ज करेंगे। बाकी अब हम इसको खोल लेते हैं। ये देखिए, सेल्फी स्टिक हमारे सामने आ गई है और ये इस तरह आप इसको खोल सकते हैं। वाओ, काफ़ी बड़ा इसका स्टैंड है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा सच में। ये पूरी एल्यूमिनियम की बनी हुई है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी दिख रही है। ये देखिए, ये लगभग मेरी हाइट के पास ही पहुंच गई है। मैं हूँ 167 सेंटीमीटर का, तो ये मेरे से थोड़ी छोटी ही है। तो जैसा 170 सेंटीमीटर बताई गई है उससे तो इसकी लेंथ थोड़ी कम है, लेकिन अगर हम इसकी ये बंद कर देते हैं तो शायद लेंथ हमें एग्जैक्ट मिल जाए। नहीं, इसकी लेंथ 170 सेंटीमीटर तो नहीं है। बाकी हम एक बार मेजर कर लेते हैं और आपको दिखा देते हैं किसकी इसकी इसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है, ताकि आप एक्चुअल में समझ पाएं। जी 150 सेंटीमीटर दिखा रहा है, 150 सेंटीमीटर दोस्तों इसकी फुल लेंथ है। बाकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी दिख रही है, नो डाउट आपके फ़ोन वगैरह को अच्छे से होल्ड कर लेगी। साथ ही इसके ऊपर आप अपना DSLR वगैरह भी हैंड कर सकते हैं। देखिए कितना लंबा है, ये देखिए ज़बरदस्त, काफ़ी लंबी ये स्टिक लग रही है। नो डाउट अगर आप इसको लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल प्रोडक्ट होने वाला है। साथ ही अगर इसमें इंस्टॉलेशन की बात की जाए तो इसमें आपको केवल फ़ोन का ही माउंट देखने के लिए मिलता है। अगर आप अपने DSLR कैमरे के लिए इसको लेने की सोच रहे हैं या फिर एक्शन कैमरे के लिए लेने की सोच रहे हैं, तो इसमें आपको इसको निकालना होगा और उसके लिए आपको अलग से जो माउंट एसेसरीज होती हैं 1.4 इंच की, उसको लगाना पड़ेगा। अगर आप अपनी इस सेल्फी स्टिक में एक्शन कैमरा लगाना चाहते हैं या फिर DSLR कैमरा लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इस तरीके के माउंट की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको इस तरीके के माउंट की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपको अपना DSLR इस स्टिक के साथ लगाना है। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह, ये इस तरह आपको इसको खोल लेना है। क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, तो प्रोडक्ट हर तरह से काफ़ी अच्छा है। साथ ही इसमें हमें एक इन्होंने स्टिकर भी भेजा है कि अगर हम इसको 5 स्टार रेटिंग देंगे तो ये हमें 50 रुपये कैशबैक देंगे। लेकिन दोस्तों अगर एक्चुअलिटी की बात की जाए तो ये प्रोडक्ट 5 स्टार रेटिंग के लायक एक्चुअल में है। ये देखिए, इस तरह आपको एक एसेसरी माउंट अलग से लगाना होगा, उसके बाद आप अपने DSLR को या एक्शन कैमरे को इसमें माउंट कर सकते हैं। तो
एक्शन कैमरा लगाने के लिए आपको पहले ये लगाना है, और फिर इस तरह की एक माउंट एसेसरीज होती है, इसको भी आपको लगाना पड़ेगा। ये देखिए, अब हमने अपना एक्शन कैमरे का पूरा सेटिंग इसमें बिठा ली है। ये देखिए, ये हमारी पूरी सेटिंग हो गई है, और अब इसको लगने के बाद हम इसमें आराम से अपना एक्शन कैमरा लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं इस सेल्फी स्टिक पे एक्शन कैमरा लगने के बाद कितना सुंदर ये दिख रहा है। ये देखिए, जो हमने एडिशनल एसेसरीज लगाई है उससे इसका लुक अलग ही बन गया है। कुल मिलाकर काफ़ी बढ़िया ये प्रोडक्ट है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। ये देखिए, अब मैं इसको खोल देता हूँ। पहले मैं इसको इसका तरह तिरछा कर लिया, कैसे रखिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए, और ये देखिए खोलूँगा तो कितना दोनों हमारा एक्शन कैमरा हो गया। तो ये सच में काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, वैल्यू फॉर मनी ये प्रोडक्ट है। ये देखिए दोस्तों, मिनटों में ये खुल जाता है, मिनटों में बंद हो जाता है, और बिल्ड क्वालिटी तो सच में वो काफ़ी सुपर्ब है। साथ ही अगर आप इस माउंट एसेसरी की बात करेंगे जिसमें आप अपना फ़ोन लगा सकते हैं, इसमें आप सिंपली अपने फ़ोन को लगा सकते हैं, चाहे आपका फ़ोन कितना चौड़ा हो, इजीली इसमें लग जाएगा। ये देखिए, मेरे जो फ़ोन है वो है रेडमी नोट 10 प्रो, ये इजीली इसमें लग रहा है। ये देख लीजिए, इजी लग रहा है, इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं। देखिए, इस तरह रोटेट भी हो जाता है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आपका फ़ोन छोटा है तो आप इसको 360 डिग्री भी रोटेट कर सकते हैं। चूँकि मेरा फ़ोन तो थोड़ा बड़ा है, इसे 360 तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन हाँ, लैंडस्केप मोड और पोर्ट्रेट मोड में ये इजीली शिफ्ट हो जाता है। ये देखिए, है ना दोस्तों, कमाल की बात। अब अटैच करने के लिए सिंपली आपको इसके अंदर अपना इसको स्टैंड को लगा देना है, और इस स्क्रू से इसको कस देना है। इसमें फ़ोन हमारा लग चुका है, और अब इसको ये देखिए फिसल भी नहीं रहा है, कितना हिला लीजिए फ़ोन गिर नहीं रहा है, तो काफ़ी अच्छा ही है। और अगर अब इसको हम लंबा करेंगे तो ये देखिए, आप इसको कितने लंबा कर लो, ये देखिए दोस्तों। और इसमें आप सिंपली अपने फ़ोन को लगाकर अपने वीडियो बना सकते हैं, काफ़ी अच्छी इसकी बिल्ड क्वालिटी है, तो नो डाउट आप इसको ले सकते हैं, कहीं से कहीं तक दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर इसकी टॉर्च की, इसके साथ फ्लैश लाइट आती है, इसकी रिव्यू की बात करेंगे तो फ्लैश लाइट आप पीछे एक बटन दिया गया है, इस बटन को जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो फ्लैश लाइट जल जाएगी। एक बार और प्रेस इस बटन को दबाएंगे तो थोड़ी सी हैवी, थोड़ी सी डार्क जलने लगती है, और तीसरी बार दबाएंगे तो ये ऑफ हो जाएगी। चार्जिंग के लिए इसमें एक चार्जिंग स्लॉट दिया गया है, ये देखिए, इसको आप मिनी यूएसबी केबल से चार्ज कर सकते हैं, जो कि मिनी यूएसबी केबल साथ में आती है। साथ ही अगर इस फ्लैश लाइट के इंस्टॉलेशन की बात की जाए, तो अब इस फ्लैश लाइट को सिंपली इस होल्डर के पीछे की तरफ इस तरह अटैच कर सकते हैं। ये देखिए, ये सिंपली ऐसे रखना है आपको, इस हिस्से पर ऐसे रखना है, और ऐसे इसको प्रेस कर देना है। ये देख लीजिए, ये सिंपली इंस्टॉल हो गया है, और जैसे आप इसको दबाएंगे ये ऑन हो जाता है। यानी दोस्तों, कमाल की चीज़। और अगर इसके रिमोट की बात की जाए तो सुंदर सा इसका रिमोट है। अब हम एक बार इसको अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, और देख लेते हैं ये फ़ोटो क्लिक करता है नहीं करता। इसको ऑन करने के लिए यहाँ पे एक बटन दिया गया साइड में, ऑन करते ही इसमें कोई लाइट नहीं चली। दोस्तों, इसकी सेल वीक लग रही है हमें, क्योंकि ऑन में ही आया था इसलिए ये कनेक्ट नहीं हो पाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है। अगर इस प्रोडक्ट की ओवरऑल लेंथ की बात की जाए तो एक बार हम देख लेते हैं खुल के किस तरह दिखाई देता है। ये देखिए, हमने इसको खोल लिया है, और इसकी ये देखिए, इस तरह रखने पर इसकी जो हाइट है, हम एक बार मेजर करके आपको बता देते हैं कितनी इसकी एक्चुअल हाइट आ रही है। ग्रिप तो इसकी काफ़ी अच्छी है, नो डाउट, ग्रिप में किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये देख लीजिए, लेकिन इसमें प्रोडक्ट आपका हिलेगा, ये हिल रहा है, ये देखिए हिल रहा है, अगर इसकी वैसे लेंथ की बात की जाए तो एक बार हम खोल के देख लेते हैं
अगर इसकी बंद स्थिति में हाइट की बात करेंगे, अगर इसकी बंद स्थिति में लेंथ की बात करेंगे तो ये लेंथ है 28 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। इस प्रोडक्ट के अगर आप लेंथ की बात करेंगे तो 30 सेंटीमीटर, और अगर आप इसको फुल खोलते हैं तो फुल खोलने के बाद देख लेते हैं इसकी लेंथ कितनी आएगी। हमने इसको पूरा खोल लिया, और अब हम इसके एक बार मेजरमेंट ले लेते हैं, देख लेते हैं कितनी मेजरमेंट आ रही है। वही 150 सेंटीमीटर इसकी मेजरमेंट आ रही है, लेकिन 150 सेंटीमीटर की हाइट पर जब इसको खोल लेंगे तो ये थोड़ा सा हवा से हिलेगा, जिससे आपके फ़ोन को गिरने का खतरा हो सकता है। तो आप इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे तो ये हिलना बंद हो जाएगा। ये इस हाइट तक अगर आप इसको रखते हैं तो आपको इस ये बिल्कुल स्टेबल दिखाई देता है। देख लेते हैं कितनी हाइट है ये, 90 सेंटीमीटर की हाइट तक ये काफ़ी स्टेबल रहता है। अगर आप इससे अपने DSLR और एक्शन कैमरे के थ्रू वीडियो बनाना चाहते हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इसको 90 सेंटीमीटर पे यूज़ कीजिए। इसके ऊपर जाएंगे तो आपका DSLR कैमरा और एक्शन कैमरा गिर सकता है। बाकी अगर इसकी सेंटर पॉइंट से इसके ट्राइपॉड की डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये लगभग है 25 सेंटीमीटर, तो काफ़ी अच्छे इसके सेक्शंस हैं। और अगर दोनों सेक्शंस के बीच की दूरी की बात करेंगे तो दोनों सेक्शंस के बीच की दूरी है 40 सेंटीमीटर, तो काफ़ी सफिशियंट है। तो काफ़ी अच्छा ये प्रोडक्ट है, वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप इस प्रोडक्ट को लेने की सोच रहे हैं तो आप बिना किसी डाउट के इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा ये प्रोडक्ट है और आप काफ़ी एंजॉय करेंगे इस प्रोडक्ट के साथ। चूँकि हमारा रिमोट काम नहीं कर रहा है इसलिए हम इस प्रोडक्ट को वापस करेंगे और दूसरा प्रोडक्ट मंगाएंगे रिप्लेसमेंट में। तो चलिए अब हम इस वीडियो को विराम देते हैं दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जय हिंद।